पंजाब के जंगलात मंत्री ने देश को खोखला करने का जिम्मेदार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ठहराया है। चाहे ये बात अनजाने से उनके मुंह से निकल गई, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पर यह टिप्पणी कर सुर्खियां जरूर बटोर ली हैं। दरअसल पंजाब के जंगलात मंत्री साधु सिंह धर्मसोत आज किसी निजी कार्यक्रम को लेकर जालंधर पहुंचे थे, जहां मीडिया कर्मी भी पहुंच गए, जहां कांग्रेस के नए बनाए गए प्रधान राहुल गांधी के बारे में गुणगान करते हुए बातों ही बातों में उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि देश को खोखला करने में मनमोहन सिंह जिम्मेदार है और इसलिए देश की जनता ने राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया है। चाहे इस बात को लेकर मंत्री साहब की जुबान फिसल गई हो, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को सही नहीं किया, बल्कि अपनी पार्टी और पार्टी के प्रधान राहुल गांधी के बारे में गुणगान करते रहे। उस मजबूती नु खोखला करन डॉक्टर मनमोहन सिंह दा बहुत वड्डा हाथ है। आज उस मजबूती नु खोखला करन डॉक्टर मनमोहन सिंह दा बहुत वड्डा हाथ है। जिको ही मुद्दा है कि हिंदुस्तान दे विच कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी दी रहनुमाई तकड़ी होके निकली है और हिंदुस्तान ने फैसला किया है आ तीन स्टेटा तो बाद राहुल गांधी की प्रधानगी हेठ तिने स्टेटा जितिया ने और तुसी देखना सी कि कल बिहार दे विच 15 लाख बंदा 30 साल बाद उत्थे इकट्ठा होया और कांग्रेस नू लोकां ने ऑनर किया है। मैं समझदा कि मोदी साहब दे जो जुमले सी जो झूठे वादे सी भाईओ बहनों 15 लाख दूंगा एक पैसा नहीं दिता, 15 करोड़ नौकरी दूंगा एक नौकरी नहीं दिती, किसानों का एक पैसा नहीं दिता, इंडस्ट्री तबाह हो गई, केवल तो केवल जिहड़े वड्डे घराने मोदी अंबानी अडानी टाटा बाटा वड्डे लोग ने जिहड़े 10-20 उन्हां लई मोदी साहब ने काम किया, उन्हां नूं लखां करोड़ों का पैदा मालक बना दिता। जिहड़ी नीति नोटबंदी सी इह वी उन्हां नूं अपने पैसे पार्टी लई इकट्ठे करन लई और वड्डे वड्डे इंडस्ट्रियलिस्टां नूं तगड़ा करन लई और नाल दी नाल ही जिहड़ा GST है वह छोटे दुकानदार रेहड़ी वाले फड़ी वाले जिहड़े छोटे दुकानदार सी खत्म करके रख दित्ते, वड्डियां दी मदद कीती है। मैं कह सकदा कि अज मोदी साहब ने 5 साल जो काम किया वड्डियां लई किया सरमाएदारां लई कीता, हिंदुस्तान दे किसी गरीब किसान लई नहीं, किसी गरीब व्यक्ति लई नहीं, किसी गरीब इंडस्ट्री लई नहीं, किसी लई काम नहीं कीता। इस करके अज लोग याद कांग्रेस पार्टी नूं कर रहे ने, लोग याद कर रहे ने इंदिरा गांधी जी दे राज नूं, लोग राज देख रहे ने राजीव जी दे और लोग याद करते ने 10 साल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह होना ने देश नूं किस तरीके नाल इकनोमिक तौर पर तकड़ा किया है। सारे देश हिल गए सी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हां ने हिंदुस्तान नूं मजबूत बना के रखा है। अज उस मजबूती नूं खोखला करन डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत वड्डा हाथ है। इस करके हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होए, कांग्रेस पार्टी ही देश नूं बचा सकती है। देश की आज़ादी तो पहला देश आज़ाद कराने कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा है और उस आज़ादी तो बाद जिस देश सूई नहीं सी बनती अज एटम शक्ति बनी है ताकत बनी है, ये कांग्रेस पार्टी के सदका है। जिस देश आज़ादी तो बाद खाण वास्ते दाने नहीं सी अनाज नहीं सी 30 करोड़ लोगों वास्ते, अज 120 करोड़ लोगों लई अनाज फालतू है और साड़ी फौज तकड़ी हुई है। जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लाया सी और देश नूं तकड़ा किया सी। अज देश नूं कमजोर करन मोदी साहब का बहुत वड्डा हाथ है और मैं नहीं कहता उन्हां दे मिनिस्टर ने इन्ना कह देना गडकरी साहब ने कि जिहड़ा बंदा अपना घर नहीं संभाल सकता अपना घर नहीं संभाल सकता वह देश नूं की संभालेगा, यह साबित कर दिता। देखो पंजाब की जनता ने अज तो 2 साल तकरीबन पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दी योग अगवाई दे एडी वड्डी जित दित्ती है, उस तो पहला ना कदे अकाली दल नूं ना कदे कांग्रेस नूं 77 सीटां आईयां सी और हुण भी
पंजाब तो जो इतों जाग लगे हिंदुस्तान कांग्रेस स्वीप करेगी। चर्चा तो यह भी है कि धर्मसोत इलेक्शन लड़ने लोग। देखो मैनू कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ देता, कैबिनेट मिनिस्टर हाँ, भी हर बार मैं ही ठूठा अगे करी जावा तो फायदा नहीं है। अकाली दल बीजेपी की जी पिछले दिन से लड़ाई चल रही है हजूर साहब में लैके हूँ फिर दोबारा मामला पक गया। देखो गल ये है, ये अकाली दल की गल है, अकाली दल आप ही कट्ठे है नहीं, जो आप ही कट्ठे है तो किसी की राखी की कर सकते हैं, इन्हों के बस की गल नहीं। लोकसभा मीटिंग का तो दौर चल गया, बादल साहब आप ही अब इन्हों जमानत जब्त होनी ने सारे याद रखो।